और वो एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट में जहां उसे उतरना था बस से वहां पर नहीं उतरा और वो आगे पहुंच गया। बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया और सपोर्ट इंडिया, आज इंडिया जीतना चाहिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज इंडिया का फाइनल है तो हमारे सारे काम बंद हैं और ये हमारी मैच देखने की तैयारी है। यहाँ पे बैन है ऐप्स, जितने भी इंडियन बैन है वो सैमसंग की वजह से बैन है ऐप। तो ये हमारी तैयारी है, हमने अपनी डिवाइस खोल रखी है, जितनी भी साइट हैं मैच देखने की हमने सारी खोल रखी हैं। ये ऐप है और एक ये वो है लिंक जिस पे हम देखते हैं। और एंजॉय योर मैच टू, और आज का व्लॉग ये है और हमारे फ्रेंड्स भी इकट्ठे होंगे आज यहाँ पे, हम मैच देखेंगे सब लोग एक साथ। तो तैयारी करते हैं क्योंकि कुछ ही देर में मैच स्टार्ट होने वाला है। बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया और सपोर्ट इंडिया, आज इंडिया जीतना चाहिए। थैंक यू। अभी हम सब लोग मैच देखने के लिए इकट्ठे होने वाले थे तो हमने नवीद को बुलाया था और वो वाईफाई का राउटर भी लेके आ रहा था क्योंकि इंटरनेट की दिक्कत ना हो हम लोगों को। और वो एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट में जहाँ उसे उतरना था बस से वहाँ पर नहीं उतरा और वो आगे पहुँच गया। अब मैं उसे लेने जा रहा हूँ थोड़ी सी दूर है, और अच्छा हुआ, चलो जो होता है वो सही अच्छे के लिए ही होता है। तो क्योंकि इस बहाने में बाहर आ गया और आप लोगों के लिए एक ऑफिशियल न्यूज ये है कि फाइनली टेम्परेचर दोबारा -6 हो गया है। तो यहाँ पर बर्फ़ गिर रही है जो कि हो सकता है आपको कैमरे में दिख रही हो। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है हमें आइस स्केटिंग के लिए, आइस स्केटिंग के लिए जाया करेंगे हम जब बर्फ़ आ जाएगी अभी अच्छी तरह से। तो अब मैं जा रहा हूँ उसे लेने, वो पता नहीं कहाँ पर पहुँच गया, उसे बस ने छोड़ दिया, उसने मुझे बताया। टेम्परेचर फाइनली माइनस में है, -6 टेम्परेचर है, बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पर सर्दियों में। स्टे ट्यून्ड विद अस और आज का मैच आप इंजॉय करो, मिलते हैं मैच के ड्यूरिंग। ये बर्फ है हल्की हल्की आपको दिख रही होगी इधर, ये जमीन पर पड़ी है। अभी टेम्परेचर माइनस में है लेकिन स्नोफॉल अभी स्टार्ट हुई है, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में होने का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि हर टाइम पे स्नोफॉल होती रहती है, बर्फ़ गिरती है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अभी हल्की हल्की सी स्टार्ट हुई है। थोड़े बहुत दिन में, एक दो हफ्ते में या दो चार दिन में यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ इकट्ठी हो जाएगी, फिर उसके बाद आइस स्केटिंग के कोर्ट्स बनेंगे, फिर हम आइस स्केटिंग के लिए जाया करेंगे। और मैं देखता हूँ यहीं कहीं उसने लोकेशन बताई थी कि वो मुझे मिल जाएगा। नवेद एक्साइटमेंट के चक्कर में आगे पहुँच गया। चलो चलो, आज बहुत बुरी हालत हुई है इंडिया की और हमारी भी, टाइम वेस्ट कर दिया हमने। नवेद भाई कितने एक्साइटेड थे मैच के लिए, इंडिया जीतेगी आज? काफी कुछ था लेकिन सब टीम इंडिया से भाई, मेरे लिए जैसा कोई नहीं है। अच्छा मोइन भाई, आपको? मैसी ने थोड़ा अच्छा खेला लेकिन आई लाइक रोनाल्डो। ठीक है भाई, ओके। चलो तो अब खाना बना लेते हैं अपना ब्रेक जो मिला है, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट करना है हमें। उम्मीद करेंगे इंडिया को सपोर्ट करेंगे, इंडिया जीते ऑब्वियसली। ओके भाई, इंडिया का फैन हूं मैं, कट्टर फैन हूं इंडिया का, अपनी मेहनत पे यहां तक टीम आई है तो जीतना भी चाहिए उसे। जीतना चाहिए, बिल्कुल जीतना चाहिए। सही है, एंजॉय करते हैं मैच को। चलो खाना बनाते हैं और आप लोग भी एंजॉय करो मैच को। अभी इनिंग्स ब्रेक हो गया और इनिंग्स ब्रेक की तैयारी आप भी करो और हमारी भी तैयारी है इनिंग्स ब्रेक की। देखो हमारी क्या तैयारी है, इंडिया की नमकीन, जो कि यहाँ बिल्कुल नमकीन नमकीन यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, हमारी इंडिया की नमकीन है, क्योंकि हमारी इंडिया जीतेगी। हम सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को और आप भी सपोर्ट करो कि इंडिया जीते। और ये है जूस, ये है हमारी तैयारी। और अभी हम लोग कुछ खाने को भी बनाएंगे जो कि ये हमारा ब्रेक होगा, जो ब्रेक है, और आप भी रिफ्रेश हो जाइए और सपोर्ट करिए इनिंग्स में इंडिया की, इंडिया जीते। बेस्ट ऑफ लक इंडिया। आज जैसा एक्सपेक्ट किया था हमने वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ इंडिया के साथ, हम सोच रहे थे कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, नहीं हुआ। अब हम लोग खाना वाना बना के अपना खाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं मैच को। उम्मीदों पर शायद कुछ हो ऑस्ट्रेलिया की पारी में, देखते हैं। एंजॉय द मैच, थैंक यू। और अभी हम मैच देखेंगे तो लेट हो जाएगा, ये ब्लॉग अपलोड करने का टाइम है। तो थैंक यू फॉर टुडेज ब्लॉग, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज ब्लॉग। थैंक यू, टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे एंड सपोर्ट इंडिया ऑब्वियसली। अब भी उम्मीद है कि इंडिया जीत सकती है, इंडिया को सपोर्ट करो, डेफिनेटली हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, देखते हैं मैच। बाय।